हेलो एवरीवन, बच्चों हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो कोर्स में एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर यानी द रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि इरेशनल नंबर्स को हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। टुडे इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू रिविजिट रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो एक बात यहाँ लिखी हुई है कि रैशनल नंबर्स हैव इधर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये बात आप सब लोग ऑलरेडी 9th क्लास में ही जान चुके हैं कि अगर किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो उस रियल नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अभी टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो और सर्टेन ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हों। अगर किसी रियल नंबर के केस में, किसी रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के केस में ये दोनों बातें होती हैं तो उस रियल नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट ही हो रहा हो और ना ही रिपीट ही हो रहा हो तो हम उस रियल नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये बात अपन ने ऑलरेडी 9th क्लास में भी सीख ली है और मैंने द रियल नंबर्स की जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसमें भी मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बताया हुआ। अब टेबल में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। एक तरफ मैंने लिया हुआ है रैशनल नंबर्स हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरी तरफ लिया हुआ है रैशनल नंबर्स हैविंग अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी एक तरफ मैंने उन एग्जांपल्स को लिया है जिसमें रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहे हैं यानी डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और एक तरफ मैंने लिया हुआ है उन रैशनल नंबर्स को जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। अब एक एक करके उन एग्जांपल्स को देखते हैं। तो लिखा हुआ है 3/8, 3/8 इसको क्या लिखा हुआ है 0.375। यानी हम देख रहे हैं कि डेसिमल के तीन प्लेसेस बाद टर्मिनेशन आ गया है, यानी डेसिमल के बाद केवल तीन ही डिजिट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, केवल तीन डिजिट्स हैं। 45/17 में डेसिमल के बाद चार डिजिट्स दिख रही हैं, 14/125 में डेसिमल के बाद केवल तीन डिजिट्स दिख रही हैं। इस तरह से आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम में दिख रहे हैं एग्जांपल्स, उसमें वो रैशनल नंबर्स हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेशन आ रहा है। अगर मैं राइट हैंड साइड वाले कॉलम की बात करूं तो वहां पे ऐसे रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, जो इनफाइनाइट टाइम्स आ रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2/3 = 0.666, अब ये 6 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। ठीक है, 71/18 में देखिए 3.94444, इसमें 4444 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, रिपीट भी हो रहा है। तो आपको दोनों तरफ से क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है या अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट होता है। अब टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो तो उस केस में हम उसे कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए तो अब ऐसा क्या होता है कि कुछ रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है और ऐसा क्या होता है कि कुछ रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता है, रिपीट होता है? इसी चीज को एक्सप्लेन करता है एक थ्योरम जो ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, मैंने वहीं से स्टेटमेंट लिया हुआ है कि लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। यानी हमने एक रैशनल नंबर लिया हुआ है एक्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, और अगर उस एक्स को हम क्या करें, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करें जहां पी और क्यू को प्राइम हो, तो क्यू का जो फैक्टराइजेशन होगा, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2^n × 5^m के फॉर्म का होगा, जहां n और m क्या है, एक नॉन निगेटिव इंटीजर्स। एक बार इस थ्योरम का मतलब फिर से समझा देता हूं कि अगर हमने एक ऐसे रैशनल नंबर को लिया हुआ है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है और उस रैशनल नंबर को अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस करें जहां p और q को प्राइम होने चाहिए, तब q का प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2^n × 5^m के फॉर्म का होगा, जहां n और m एक नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स को आप समझ सकते हैं होल नंबर्स, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, या आप ये कह सकते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो n और m क्या होना चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, यानी 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है n और m की। ठीक है, अब उन्हीं एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो मैंने ऊपर के टेबल में मेंशन किया था एग्जांपल्स।
जिसमें रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा था, उन्हीं एग्जांपल्स को एक बार देखते हैं। तो 3/8 में अगर मैं 8 को 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो 3/8 में जो क्यू है यानी 8 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का है, 2 to the power n इंटू 5 to the power n। अब आप बोलोगे इसमें 5 तो है नहीं, तो 5 मौजूद है इसमें 5 to the power 0 के फॉर्म में, यानी 2 मैं 2 क्यूब को 2 क्यूब इंटू 1 ले सकता हूं और 2 क्यूब इंटू 1 को 5 to the power 0 ले सकता हूं। ठीक है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। 45/16 में देखिए, 45/16 में अगर आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 to the power 4। अगर आप 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या दिख जाएगा, 5 क्यूब। 625 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या दिख जाएगा, 5 की पावर 4। अगर आप 40 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 1। 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो आपको इन एग्जांपल्स में दिख रहा है कि ये एग्जांपल्स में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, और खास बात ये है कि इनका जो क्यू है, इनका जो डिनोमिनेटर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म का है। यानी किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर केवल 2s दिखें प्राइम फैक्टराइजेशन में, या केवल 5s दिखें, या 2 और 5 दिखें, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ दिख रहा है तो कभी भी उसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आप अगर ऊपर चलें और लेफ्ट वाले कॉलम में ध्यान से देखें तो 2/3 टर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उसका क्यू है, जो उसका डिनोमिनेटर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म का नहीं है। अगर मैं 18 की बात करूं तो 2 into 3 into 3 आएगा, इसमें 3 आ गया एक्स्ट्रा, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगा। मैं 90 की बात करूं तो 90 को अगर आप फैक्टराइज करें तो क्या आ जाएगा, 2 into 3 into 3 into 5। तो यहाँ 2 और 5 तो आ रहे हैं लेकिन 3 भी आ रहा है, इसलिए 127/90 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो उसका जो डिनोमिनेटर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और थ्योरम इससे ही जुड़ा हुआ है जो इसका उल्टा है, उसको देख लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। यानी अब ये कह रहा है कि अगर कोई x is equal to p upon q एक rational number है और q का prime factorization 2 to the power n into 5 to the power m के form का है, जहाँ n और m non-negative integers हैं, या ये कहें whole numbers हैं, तो x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। पहला थ्योरम ये कहता है कि रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है तो q का फैक्टराइजेशन 2 to the power n इंटू 5 to the power m का होगा। और दूसरा थ्योरम ये कह रहा है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर p अपॉन q में q का फैक्टराइजेशन 2 to the power n इंटू 5 to the power n के फॉर्म का है, तो वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बिना लॉन्ग डिविजन किए आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए जो रैशनल नंबर्स हैं उनमें से किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और किसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, केवल आपको देख के बताना है। ठीक है, अब इसे पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। आपको क्या करना है, आपको केवल क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो अगर आप 3/125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 to the power 5। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2s दिखें, या केवल 5s दिखें, या 2s और 5s दिखें, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे हमें केवल 5s दिख रहे हैं, तो ये 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म का है, क्योंकि आप 5 to the power 5 को 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5 लिख सकते हो।
ठीक है, यानी इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 17/8, अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या मिल जाएगा, 2³, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 455 में हमें मिलेगा 5 × 7 × 13, तो इसमें आपको 5 तो दिख रहा है, साथ साथ 7 और 13 भी दिख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 1600 में अगर बात करें तो पहले तो 15/1600 को आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि जो पी और क्यू हो वो क्या हो जाए, को प्राइम हो जाए। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो वो क्या बन गया, 3/320 बन गया। अब 320 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या दिखा, 2^6 × 5^1, तो हमको 2^n × 5^m के फॉर्म मिल गया है, इसलिए ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इस तरह से आप बाकी को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन 1 में जो भी ऐसे रैशनल नंबर्स मिले हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, यानी उसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो आपको खुद डिवाइड करना है रफ वर्क में और उसके सामने उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना है, केवल उनका जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, सबका नहीं लिखना है, ठीक है, तो ये आप लोग खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। ये कह रहा है कि कुछ रियल नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, आप क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि वो रैशनल है कि नहीं, और ये डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने के बाद Q के प्राइम फैक्टर्स की बात करनी है कि अगर वो रैशनल हैं तो उनका P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने के बाद उनका प्राइम Q का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो पहला क्या दिख रहा है आपको, पहले में आपको दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब ये रैशनल नंबर है। दूसरा आपको दिख रहा है कि ना टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, पहले 1, 2, 0 आया, फिर 1, 2 दो बार 0 आ गया, 1, 2, 3 times 0 आ गया, उसके बाद 1, 2, 4 times 0 आ गया, यानी रिपीटेशन नहीं है इसमें, तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, और अगर हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो आपको क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं करनी है। लास्ट वाले देखें, लास्ट वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डेसिमल के बाद जो 9 डिजिट्स लिखी हुई है उसके ऊपर बार, उसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है, यानी उसको हम बोलते हैं बार। वो बार क्या बता रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होती जाएंगी। यानी कैसा है, ये इनफाइनाइट डिजिट्स हैं इसमें डेसिमल के बाद और रिपीट हो रहा है, यानी ये केस है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। तो पहला और तीसरा क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में उनका पी अपॉन क्यू के फॉर्म भी लिखा हुआ है जो रैशनल नंबर्स हैं, और उसके साथ साथ क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस करेंगे जो रेफरेंस बुक्स में आपको मिलते हैं और आपके लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।